समर स्लैम 2023 का मेन इवेंट मैच था रोमन रिंग्स और जे उसो के बीच ट्राइबल कम्बैट फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल चीफ ऑफ द अनोई फैमिली। इस मैच की एंडिंग में जे उसो रोमन रिंग्स पर स्पीयर लगाते हैं और फिर जब जे उसो रोमन रिंग्स पर स्प्लैश हिट करके उनको पिन कर रहे होते हैं तो शॉकिंगली जिमी उसो जे उसो को बाहर खींच लेते हैं और फिर जे उसो पर सुपर किक लगा के उनको रिंग में फेंक देते हैं, जिसका फायदा रोमन रिंग्स उठाते हैं और वो जे उसो को टेबल पर स्पीयर लगा के पिन करके अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब बात करते हैं जिमी उसो के अपने ट्विन ब्रदर जे उसो को बिट्रे करने के तीन पॉसिबल रीजंस के बारे में। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि जिमी उसो को रोमन रिंग्स से अगेंस्ट टाइटल मैच चाहिए हो, क्योंकि जे उसो से पहले जिमी उसो ने ही रोमन पर नाइट ऑफ चैंपियंस पेपरव्यू में अटैक किया था, इसलिए उनको जे उसो से पहले टाइटल मैच चाहिए था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे इसलिए जे उसो को रोमन रिंग्स के अगेंस्ट समर स्लैम में मैच मिल गया। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जिमी उसो अपने ट्विन ब्रदर जे उसो से जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि जे उसो को थर्ड टाइम रोमन रिंग्स से अगेंस्ट टाइटल मैच मिला था और जिमी उसो को एक बार भी रोमन रिंग्स के अगेंस्ट टाइटल मैच नहीं मिला, क्योंकि 2020 में जब रोमन रिंग्स और जे उसो के बीच दो बार टाइटल मैच हुआ था तब भी जिमी उसो इंजर्ड थे और अब भी इंजर्ड थे। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि जिमी उसो ने रोमन रिंग्स के वाइज मैन पॉल हेमन से डील करी कि अगर रोमन रिंग्स जे उसो को हरा देंगे तो जिमी उसो को नेक्स्ट रोमन रिंग्स से अगेंस्ट टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी WWE वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।